बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। मैं हूं श्रेया और मैं आपके लिए लेकर आई हूं सुशांत सिंह राजपूत की लेटेस्ट अपडेट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के गुत्थे सुलझाने में पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। एक एक करके सुशांत से रिलेटेड लोग पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और अब इसी सिलसिले में सुशांत की को स्टार संजना सांगी, जिन्होंने उन पर मीटू का आरोप लगाया था, उनसे पुलिस ने 9 घंटे की पूछताछ की। अब इस पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ कौन सी इन्फॉर्मेशन लगी है, चलिए आपको बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की लीड एक्ट्रेस संजना सांघी से पुलिस ने मंगलवार को तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए मीटू के आरोप के साथ साथ सुशांत के डिप्रेशन को लेकर बातचीत की गई। संजना सांघी ने पुलिस को दिए स्टेटमेंट में बताया कि फिल्म के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने साल 2018 में उन्हें इस फिल्म का ऑफर दिया था। संजना ने कहा कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि इस फिल्म में वो सुशांत के ऑपोजिट होंगी। वो सुशांत से फिल्म के सेट पर ही पहली बार मिली थी। संजना ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर कोई मीटू का आरोप नहीं लगाया था और न ही इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने बताया कि 2018 में जब मीटू कैंपेन चल रहा था तो उसी दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत पर मैंने शूटिंग के वक्त गलत तरीके से छूने का ब्लेम लगाया था। संजना ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के साथ US घूमने गई थी। संजना ने कहा कि फिल्म का एक पार्ट शूट हो गया था, शेड्यूल डेट्स के मुताबिक मेरे पास काफी वक्त था इसलिए मैं US चली गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे नाम से सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और टेलीविजन पर ब्लाइंड स्पॉट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत पर मीटू के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब मैं US से वापस लौटी तब मुझे इन सारी चीजों की जानकारी मिली, जिसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर सफाई दी और बताया कि ये सब झूठी कहानी है और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं सुशांत और मुकेश दोनों से मिली। सुशांत इस वाकये से काफी परेशान भी थे। सुशांत ने कहा था कि मीटू कैंपेन के बहाने उन्हें कैसे बदनाम करने की साजिश रची गई और उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था। बता दें, जब सुशांत पर मीटू का इल्जाम लगाने की बात सामने आई थी तो सुशांत चाहते थे कि एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर उनसे माफी मांगे, लेकिन उस वक्त एक्ट्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया था। समय निकलता गया और सुशांत पर दबाव बढ़ गया, जिसके बाद सुशांत ने संजना के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। संजना ने कहा कि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी एतराज नहीं था क्योंकि ये आरोप नकली थे। संजना ने दिए हुए स्टेटमेंट में रिवील किया कि मीटू कैंपेन के दौरान हुए वाकये को लेकर सुशांत को शक था कि कोई है जो इस पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचा रहा है, लेकिन कौन है वो, इसके बारे में उन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया। अपनी निजी जिंदगी को लेकर ना तो वो कोई बात करते और ना ही किसी से कोई भी बात जानने की कोशिश करते। हालांकि फिल्म का शेड्यूल जब शुरू हुआ तब उन्हें काफी वक्त लगा नॉर्मल होने में। मैं और मुकेश छाबड़ा हमेशा उनके साथ थे, लेकिन इस बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं था कि सुशांत के पास कौन कौन सी फिल्में हैं या तो फिर वो किसी तरह के डिप्रेशन में हैं। संजना ने पुलिस से कहा कि सुशांत सेट पर हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे और बातचीत में अपने पेरेंट्स से जुड़े काफी मजेदार किस्से हमें सुनाया करते थे। संजना ने पुलिस को दिए स्टेटमेंट में कई सारी बातों का खुलासा किया है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कॉमेंट कीजिए और हाँ, व्हाट्सएप बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।